से खबर आ रही है जहां राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में लोकायुक्त ने छापेमारी की। वीसीएम संध्या जैन को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि निकलवाने के बदले रिश्वत मांगी। आशा कार्यकर्ता हरिबाई ने भोपाल लोकायुक्त एसपी को इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद अचानक से पहुंचे अधिकारियों के सामने ही रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ी गई। ये बीसीएम घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर ली गई है। काम निकलवाने के नाम पर रिश्वत ले रही थी, 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। तो वहीं गुलमर्ग में एवलांच आने से हड़कंप मच गया है और एवलांच की चपेट में कई स्कीयर्स आ गए हैं। एवलांच की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है। बर्फ के बीच कई स्कीयर्स के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। स्कीइंग हर कोई चाहता है ऐसे मौसम में करना, लेकिन कई बार एवलांच की वजह से ही जो स्कीयर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। और एक बार फिर से ऐसा ही गुलमर्ग में देखने को मिला, जहां स्कीइंग का दौर चल रहा था और हर कोई इस सुनहरे और सुहाने मौसम का लुत्फ़ उठा रहा था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि अचानक से एवलांच आ जाएगा और ऐसे में कई स्कीयर्स के फंसे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपनी पहली कश्मीर की यात्रा पर हैं। गुलमर्ग में स्थानीय लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हुए सचिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे खुद सचिन ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, क्रिकेट और कश्मीर स्वर्ग में एक मैच। हम खेले, सड़क बन गई पिच, डिब्बा बन गया स्टंप और फिर लगने लगे चौके और छक्के। कश्मीर यात्रा के दौरान सचिन ने गुलमर्ग की सड़क पर क्रिकेट खेला। सचिन ने सोशल मीडिया पर क्रिकेट खेलने का ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सचिन कार से उतरते हुए दिखाई देते हैं, स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हैं जो शायद पहले से ही वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, और जैसे ही गुलमर्ग के लोगों ने सचिन को अपने बीच देखा वो हैरान रह गए और बेहद ही खुश हुए। उसके बाद सचिन ने शुरू की बैटिंग, ये आई पहली बॉल। देखिए कैसे सचिन ने पहली बॉल को स्ट्रेट ड्राइव किया, दूसरी बॉल को सचिन ने हवा में बॉलर के ऊपर से मारा, कोई बॉल को पकड़ ही नहीं पाया, तीसरी बॉल को सचिन ने पैडल स्वीप करते हुए पीछे की ओर खेल दिया। सचिन का ये शॉट सब देखते रह गए। अब बारी थी चौथी बॉल की, जो कि सचिन के पैर से लगी। अब देखिए ये आई पांचवी बॉल, सचिन ने बॉल को हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ उठा के जोरदार शॉट लगा दिया। अब सचिन के शानदार शॉट को देखकर सभी हैरान थे, क्रिकेट का भगवान जो उनके सामने बल्लेबाजी कर रहा था। अब आई छठी बॉल, देखिए किस तरह से सचिन ने एक ही जगह पर खड़े होकर एक बार फिर स्ट्रेट शॉट लगा दिया। इसके बाद सातवीं बॉल को सचिन ने पीछे की तरफ से बेहद ही सफाई के साथ ग्लांस कर दिया। आठवीं बॉल को भी सचिन ने स्ट्रेट बैट से सामने की तरफ खेल दिया। अब बारी थी आखिरी बॉल की, सचिन ने कहा अब आखिरी बॉल, लेकिन इसके बाद सचिन ने जो किया वो देखकर सब हैरान रह गए। सचिन ने आखिरी बॉल के लिए बैट को उल्टा कर दिया, यानी कि हेड अप से बॉल खेलने की कोशिश की। सचिन ने बॉलर को चैलेंज किया, अब आउट करना पड़ेगा, लेकिन बैट सीधा हो या फिर उल्टा, क्रिकेट के भगवान को आउट करना आसान नहीं। सचिन ने उल्टे बैट से जोरदार शॉट लगाया। सचिन का यह अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। गुलमर्ग की वादियों के क्रिकेट प्रेमी सचिन के इस शॉट के दीवाने हो गए। तेंदुलकर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, क्रिकेट और कश्मीर स्वर्ग में एक मैच। सचिन के इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सचिन का बेहद सरल और सहज अंदाज हर किसी को अपना दीवाना बना देता है, और इस बार कश्मीर में भी यही देखने को मिला। सचिन ने जितनी बॉल खेली हर बॉल पर नया शॉट खेला, यही तो है अपने सचिन का दासु अंदाज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।